a suicide, but I was murdered. Inside, ये एक क्राइम साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया है जिसके पास एक स्पेशल पावर है। एक डिटेक्टिव की मदद से वो अपने भाई की मौत की जांच कर रहा है। इसी बीच उन्हें एक अपराधी के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। तो उसके भाई को क्या हुआ था और इसके पास कौन सी स्पेशल पावर है, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मूवी की कहानी अच्छी है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन मुझे काफ़ी एवरेज लगा। डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस भी मुझे एवरेज लगे। अच्छी बात यह है कि कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छे से किया है, लेकिन कहानी का जो बेस है वो मुझे काफ़ी कमज़ोर लगा। मतलब हीरो के पास जो स्पेशल पावर है वो मुझे काफ़ी इनलॉजिकल लगी। तो ये बात हमें काफ़ी डिसअपॉइंट करती है और इसे अगर छोड़ दे तो बाकी मूवी एवरेज थी। एक्शन सिक्वेंसेस अच्छे हैं लेकिन प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग इम्प्रेसिव नहीं है। स्क्रीन प्ले अच्छा था, मूवी आपको बोर तो नहीं करती और इसे आप एंडिंग तक देख पाते हो। मूवी की लेंथ 1 घंटा और 20 मिनट है और इसकी सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी। हिंदी डबिंग बढ़िया है और इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है तो आप इसे फैमिली के सामने देख सकते हो। प्रो ऑडियंस को यह एक बिलो एवरेज मूवी लगेगी और ओवरऑल मूवी एवरेज है। मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 10। ये खराब भी नहीं है लेकिन आपको कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं दे पाती। दोस्तों, मैंने जॉन विक चैप्टर 4 का भी रिव्यू कर दिया है और बेस्ट हिंदी डब मूवीज पर वीडियो बनाई है। ये दोनों वीडियोस आपको इस वीडियो के एंडिंग में देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। 'Cause I've been living life right, like I could just die.